Hello guys, I am Babita. Today I am discuss echocardiography M-mode study. आप कैसे कर सकते हैं इसके थ्रू आप LV का डायमेंशन ले सकते हैं, इसका वॉल्यूम ले सकते हैं और इसका इंजेक्शन फ्रैक्शन लग सकते हैं, इसका मतलब EF हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा जो व्यू होता है नॉर्मली इस तरह होगा। यहाँ पे आपको एम मोड रखना है, एम मोड को ऐसे मिड कैविटी पे रखना है। ऐसे आप काटेंगे तो ये हमारा दिखाई देगा। यहाँ पे ये डायस्टॉल है और ये सिस्टॉल है। सिस्टॉल का स्पेस कम होगा, डायस्टॉल का बड़ा होगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। ये डायस्टॉल है जो खुला हुआ और सिस्टॉल मतलब कम, ये सिस्टॉल है ये डायस्टॉल है। अब इसमें हम स्टडी करके दिखाएंगे आपको, एक एक करके स्टडी दिखाते हैं कि हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। अभी हमने ये स्टडी करा था, एक और मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। ये हमारा डायस्टॉल है, ये हमने साइज लिया था इसका LV IVS एंड LV डायस्टॉल का लिया साइज, और ये पोस्टीरियर डायस्टॉल। फिर हमने सिस्टॉल IVS यहाँ से यहाँ तक एंड सिस्टॉल ये हो गया LV एंड सिस्टॉल पोस्टेरली। पहले डायस्टॉल लिया फिर हमने सिस्टॉल लिया। अब आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली कैसे आप इसको मेजर करेंगे। सबसे फर्स्ट आप मेजर पे जाएंगे, मेजर बटन क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे इसका निकल के आएगा आपका IVS डायस्टॉल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये आपका डायस्टॉल है। अब हम IVS एक बार सेलेक्ट करेंगे तो हम ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने IVS का डायस्टॉल मेजर कर रहे हैं, ये मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 14 आ गया है IVS। फिर हम मेजर करेंगे LV यहाँ से यहाँ तक, अब आप देखेंगे स्क्रीन पे 47 LV आ गया। देन पोस्टीरियर मेजर करेंगे यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपका ये सारे डायस्टॉल आपके आ गए LV IVS ये सारा। अब हम सिस्टॉल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिस्टॉल पे ये ऑटोमेटिक गया है स्क्रीन पे, ये ऑटोमेटिक चला गया है, आपको कुछ सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सिस्टॉल IVS है, यहाँ पे हमने क्लिक करा तो IVS सिस्टॉल 18 आ गया है। ये हमारा LV का है, LV हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 आ गया है ये LV, और ये LV सिस्टॉल का पोस्टीरियर हम देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपको सिस्टॉल सारे ऊपर आ गए और ये डायस्टॉल नीचे आ गए। तो हमने सिस्टॉल और डायस्टॉल मेजर करा, तो अब इसका जो हम EF देखेंगे ये 71% आया है, इसका मतलब इसका EF बिल्कुल ठीक है। और जो इसका IVS सिस्टॉल है ये और